चलेंगे आईफा की तरफ। कितने लोगों के फेवरेट है ये, क्योंकि इनको भी अवार्ड मिला है। चलो भाई आईफा के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, जब भी आईफा लिखकर आएगा आईफा, है ना, इसकी शुरुआत कब से हुई, कहां पे इसका आयोजन हो रहा था, यूएई के अंदर इसका आयोजन हो रहा था, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, ये यहाँ पर क्या है, इसका फुल फॉर्म है। अब इसका आयोजन हो रहा था भैया, आयोजन करता कौन है, विजक्राफ्ट लिमिटेड, ये के प्राइवेट कंपनी है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अब जरा देखते हुए चलना भैया, मैम यहाँ से जो न्यूज है ना वो तो मैम आप समझ ही गए, ये तो हमें ऐसे याद रहेगी। देख रहे हो बंदे की किस्मत खुल गई है, सुन रहे हो ना, बंदे की किस्मत खुल गई है उरी मूवी करने के बाद से। सुनिएगा, यहाँ पे जो अवार्ड्स दिए गए हैं, एक बार से पूरी लिस्ट पहले आप देख लो। बेस्ट एक्टर का खिताब गया है विकी कौशल को, कौन सी मूवी के लिए, सरदार उद्यम के लिए। बेस्ट फीमेल का अवार्ड गया है कृति सेनन को, मिमी के लिए। नेक्स्ट, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है शेरशाह मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह मूवी को दिया गया। बेस्ट मेल और फीमेल डेब्यू की अगर बात करोगे तो आपने तड़प मूवी का गाना सुना होगा, समझ गए ना, हाँ जी, तो वहां पे आहान शेट्टी थे, उनको यहाँ पे डेब्यू के लिए मिला है। और शर्वारी बाग इनको भी मिला है बंटी एंड बबली 2 के लिए। फाइन, ये डेब्यू वाले हो गए। अब सपोर्टिंग मेल एंड फीमेल की बात करो, सपोर्टिंग मेल में पंकज त्रिपाठी लूडो मूवी के लिए और साई को मिला है फॉर द मिमी। ये वाला नाम बेस्ट फिल्म आपसे पूछी जा सकती है और यहाँ पे सपोर्टिंग रोल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो नाम है ना, ये आपको याद रखने हैं, आपके पेपर में यहाँ से नाम पूछे जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपको यहाँ कृति सेनन नजर आ रही है, द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं, ध्यान से सुनना, एक होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, एक होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कोचेस को, और यहाँ पे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में भी बेस्ट फीमेल का अवार्ड इनको मिला था। इसको देख के तो मतलब मेरे को लगता है कसम से बंदे की किस्मत खुल गई है। खैर, नेक्स्ट पे आइएगा। अब यहाँ पे और कौन कौन से अवार्ड्स अभी चल रहे हैं, तो भाई मुंबई के अंदर फिल्म अवार्ड्स का आयोजन किया जा रहा था जो कि 4 जून को खत्म हुआ है, उसके अंदर भी अवार्ड मिल चुका है। और अवार्ड जो हमें याद रखना है वो है गोल्डन कोच अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है कौन सी मूवी को, टर्न योर बॉडी टू सन, किसको अवार्ड मिला है, टर्न योर बॉडी टू द सन, ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे काम का बस इतना सा है, क्योंकि यही हाईएस्ट अवार्ड होता है इनके अंदर, और जो कंट्री फोकस्ड थी वो थी बांग्लादेश, समझ गए। तो यहाँ तक के हमारे जो पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट थे। यहाँ पे सिल्वर अवार्ड भी है, बट ये पेपर में नहीं आएगा, बट फिर भी सुन लीजिएगा, कांदी तोंडू अदिति के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया, इसको सिल्वर अवार्ड मिला है, किसके अंदर, मुंबई वाले उसके अंदर, ओके। इसके अलावा जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए वेडनेसडे से एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जीएस जीके मैथ इंग्लिश रीजनिंग का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, सारे टॉप एजुकेटर्स, आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलते हैं, और आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो रेज योर हैंड में। यहाँ पे 1 साल 2 साल के जब आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, वन टाइम पेमेंट, या फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ईएमआई के थ्रू भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोड क्या रहेगा, कोड विल बी प्रतीटे, इसमें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। वीडियो के चैट बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और क्लास के पीडीएफ, क्लासेस के लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, प्रति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल रिपोर्ट एंड बिन इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आप लोगों से अभी 11:30 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, क्लासेस को स्किप मत करिए, क्योंकि आपको भी पता है अब एग्जाम सर पे आ चुका है और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है रिविजन। तो क्लास में हर एक नई न्यूज के साथ में जितना भी आपका रिविजन का कोर कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको करा दिया जाता है। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस।